वेलकम टू नेपोटिज्म की दुनिया, जहां टैलेंटेड लोगों की मारी जाती है। और आज हम ऑडिशन करने वाले हैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर थर्ड पार्ट के लिए, तो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑडिशन पे, जहां हम लोग स्टूडेंट ऑफ द ईयर पार्ट 3 के लिए ऑडिशन लेने जा रहे हैं। और मैं हूं बट, जिसे आप लोग मिडिल मैन के नाम से भी जानते होंगे या अलग अलग व्यक्ति अलग अलग नाम से मुझे जानते हैं। आजकल तो लोग मुझे भड़वा भी कह रहे हैं बिहार में, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं। मैं अपने फुआ के बेटा को लॉन्च करूँ या उसी की बेटी को लॉन्च करूँ, मुझे उससे आपको उससे क्या मतलब है। मैं भड़वा था तो हूँ रहूंगा भी, मुझे कोई परवाह नहीं। और मैं बिहार में आ रहा हूँ, पवन सिंह को भी लॉन्च करूंगा अगले मूवी में। सोचा था स्टूडेंट ऑफ द ईयर पार्ट 3 में उसे ही लॉन्च करूँ, लेकिन आपको तो पता है मेरी च्वाइस क्या है, स्टार किड्स आर द फर्स्ट च्वाइस। सो स्टार्ट करते हैं स्टार किड्स के ही लेकर के, और बुलाते हैं सबसे पहले नन अदर देन वन ऑफ माय फेवरेट, ही इज बॉलिंग इनसाइड। और कंसर क्या है? और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कैसा है कभी तुम रहते रहते घर में? मम्मी पापा कैसे हैं? क्या लिखा है? डुकाटी सर। मेरे लिए भी बुक कर दे। अरे तुम तो भाई अच्छा पिएगा चाय? लोगों को कॉफी देता हूँ, तेरे को भी चाय दे रहा हूँ। सब कुछ परफॉर्मेंस करके दिखाया जाए। जी सर, एकदम एकदम। क्यों नहीं घर में मम्मी पापा नहीं है, बाबू आओ ना, क्लॉक के गोल्डन वाला चैन पहनाओ ना। वाह भाई, तू मेरा हीरो है, तू मेरा बस, तू ही बनेगा स्टूडेंट ऑफ द ईयर। जैसे पार्ट 1 में तुम्हें हिलाया था ना, वैसे ही पार्ट 3 में फाड़ देंगे हम लोग सब एकदम से। फाड़ देंगे लोगों के सामने, मैं दिखाऊंगा कि जैसे मैंने 30 नंबर 1 बनाया था ना, वैसे ही 30 नंबर 3 बनाऊंगा। और लोग भी इस बार 200 करोड़ के पार, समझा? जी सर। बस तू फिट है, जाके घर पे बोल दे, डेविड अंकल से बोलना आ रहे हैं हम लोग रात में पार्टी करने, समझा? चलो नेक्स्ट परफॉर्मर, प्लीज कम इनसाइड। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अपने बारे में बताइए, कहाँ से आए हो, मम्मी पापा क्या करते हैं, बताओ। मैं आयुष्मान सर, छोटे से शहर से आया हूँ। बड़े सपने लेकर मुझे पता चला यहाँ पर ऑडिशन हो रहा था, इसलिए मैंने ट्रायल में लिया। गांव का जवान है, मुंबई आया है, मूवी करेगा। कुछ आता वाता भी है या ऐसे ही मुँह उठा कर चला आया ऑडिशन देने? हाँ, मैंने किसी का ठेका वेका नहीं ले रखा है, समझा? तेरा ऑडिशन अच्छा लगा तो देखेंगे, कोशिश करूंगा कि कोई रोल दे दूं, ठीक है? चल दिखा कुछ, जो भी तेरे को आता होता है, चल दिखा दिखा। हाँ सर, थोड़ा बहुत हिलाने वालाने आता है। हाँ, करके दिखाऊं? दिखा, हिला। ओके सर। घर में मम्मी पापा नहीं है, बाबू आओ ना। ये क्या परफॉर्मेंस दिया है टट्टी सर? हाँ, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, कुछ आता वाता भी है कि नहीं? छोटे सालों से आ जाते हो मुंह उठाकर। अरे तुझसे तो बढ़िया वरुण हिला लेता था हाथ। हाँ, निकल जा भोपाड़ी के, वरना इतना मार मारूंगा कि तू भी याद रखेगा। चल सर, वरुण भी तो वैसे ही हिला रहा था। तू अपना काम कर लीजिए, वरुण से करता है। हाँ, ये इज अ स्टार किड और यू आर अ रोड साइड किड। ठीक है सर। जटाकटाक संभ्रम भ्रमं निलिंप निर्जरी।